हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पढ़े शोक प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने पिछले सत्र से लेकर अब तक दिवंगत हुए महानुभवों के लिए शोक व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के नेता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पुलवामा में आतंकी हमले का निंदा प्रस्ताव रखा और भारत सरकार से मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की गई, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों का एक महीने का वेतन पुलवामा में शहीद हुए परिवारों को दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज। अध्यक्ष महोदय, सदन के पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जिन महानुभावों का देहावसान हुआ, हमें छोड़कर चले गए, ऐसे कुछ महानुभावों के श्रद्धांजलि देते हुए मैं शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या एक, ये सदन भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडेज के 29 जनवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री जॉर्ज फर्नांडेज का जन्म 3 जून 1930 को हुआ। वे वर्ष 1967, 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 तथा वर्ष 2004 में 9 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1977 से 79 और 1989 से 90 तथा 1998 से 2004 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए रक्षा, रेलवे, उद्योग तथा संचार जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2009 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। वे मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव दो, यह सदन हरियाणा विधानसभा के सदस्य सरदार जसविंदर सिंह संधु के 19 जनवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 अगस्त 1955 को हुआ। वे वर्ष 1991, 1996, 2000 तथा वर्ष 2014 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2000 से 2005 के दौरान मंत्री तथा वर्ष 1999 से 2000 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए कृषि, उद्यान तथा भू संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव तीन, ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सीताराम सिंगला के 1 जनवरी 2019 को हुए दुखद निधन का गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 अगस्त 1941 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1987-89 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए खेल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उनके निधन से राज्य कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव चार, यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के 17 जनवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 जून 1949 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन
दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5, यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री भागमल यादव, गांव कुकरोला, जिला गुरुग्राम; श्री जुगलाल आर्य, गांव धारवाणवास, जिला भिवानी; श्री भलेराम, गांव हसनगढ़, जिला हिसार। ये सदन इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 6, यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: विंग कमांडर साहिल गांधी, हिसार; सहायक उपनिरीक्षक सतपाल सिंह, गांव दिल्लूवाड़ा, जिला जींद; हवलदार ब्रजेश कुमार यादव, गांव नांदा, जिला रेवाड़ी; हवलदार बलजीत सिंह, गांव डिंगर माजरा, जिला करनाल; हवलदार सुरेश कुमार, गांव सेलंगा, जिला झज्जर; नायक शक्ति सिंह, गांव बौंदकला, जिला चरखी दादरी; नायक संदीप कुमार, गांव अटाली, जिला फरीदाबाद; सिपाही राय सिंह, गांव अटेला कलां, जिला चरखी दादरी; सिपाही रामराज, गांव सिलानी के कैशो, जिला झज्जर; सिपाही कैलाश चंद्र, गांव बिलोचपुरा, जिला झज्जर; सिपाही रतन सिंह, गांव पुट्ठी मंगल खां, जिला हिसार; सिपाही रमेश कुमार, गांव गोपालवास, जिला भिवानी; सिपाही हरी सिंह, गांव राजगढ़, जिला रेवाड़ी। यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 7, यह सदन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और महान वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है। ये सदन शहीदों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 8, ये सदन राज्य मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर की सास श्रीमती फूलावंती, विधायक श्री कर्ण सिंह दलाल के भांजे श्री सत्येंद्र रावत, पूर्व मंत्री श्री चंदा सिंह के पुत्र श्री शमशेर सिंह, पूर्व मंत्री श्री वेद सिंह मलिक के भाई श्री सतवीर सिंह, पूर्व विधायक श्री नरेश यादव के पिता श्री शेर सिंह तथा पूर्व विधायक श्री आनंद कौशिक की माताजी श्रीमती वैष्णो देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संत परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। एक शोक प्रस्ताव अभी प्राप्त हुआ है। ये सदन 20 फरवरी यानी आज 2019 को जिला झज्जर के गांव रैया के पास सड़क दुर्घटना में मारे गए एक ही परिवार के 4 सदस्य व एक अन्य कुल 5 नागरिकों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शहीदों के परिवारों को जो अभी पुलवामा में जो शहीद हुए उनकी सहायतार्थ मेरा सदन से प्रस्ताव है कि सभी विधायकों का 1 महीने का ये जो उनकी सैलरी है शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए दी जाए। सदन ओर से प्रस्ताव। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। माननीय सदस्यगण, मैं इस सदन की भावनाओं को उन सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण।
ओम अब माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण हमले के बारे में एक निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन दिनांक 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले जिसमें 42 जवान शहीद हुए की घोर निंदा करता है और इस दुख की घड़ी में ये सदन सभी शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे, इस संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन दिनांक 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले जिसमें 42 जवान शहीद हुए की घोर निंदा करता है और इस दुख की घड़ी में यह सभी शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता है। यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। प्रश्न है कि यह सदन दिनांक 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले जिसमें 42 जवान शहीद हुए की घोर निंदा करता है और इस दुख की घड़ी में यह सदन सभी शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता है। यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।